क्या आपका फेस भी रफ और बम्पी फील होता है जब भी बात आती है फेस को फील करने में? बीच में ऐसा लगता है स्पीड ब्रेकर से आ गए हैं। इसके अलावा मेकअप में अलग दिक्कत आती है, कोई भी मॉइस्चराइजर लगाओ सही से लगाया नहीं जाता बिकॉज बीच में टाइनी बम्प्स हैं। मुंह धोने के बाद भी ऐसा महसूस होता है जैसे फेस बिल्कुल अनहाइजीनिक लग रहा है और क्लीन ही नहीं है, और वो बहुत हद तक आपका कॉन्फिडेंस अफेक्ट करने का काम करता है। अगर ये सारी समस्याएं आप फेस कर रहे हो तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाई गई है। वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे। अगर आप बहुत से एक्ने ट्रीटमेंट्स लेकर देख चुके हो और फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आता तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इनको हम एक्ने नहीं बोलते, ये होते हैं टाइनी बम्प्स। ये आपको कहीं पे भी हो सकते हैं, आपके फोरहेड पे हो सकते हैं, आपके चीक्स पे हो सकते हैं, आपके नोज पे हो सकते हैं, या बॉडी पे कहीं भी हो सकते हैं। ये हर स्किन टाइप को हो सकता है, चाहे आपकी स्किन नॉर्मल हो, ऑयली हो या हो ड्राई। कैसे होते हैं पहले वो जानते हैं। अगर आप अपने फेस को प्रॉपरली क्लेंज नहीं करते, आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, डेड स्किन का इकट्ठा हो जाना, या फिर डैमेज हेयर फॉलिकल्स, अगर आप बहुत ह्यूमिड वेदर में रहते हो ना और एक्स्ट्रा स्वेटिंग होती है, तो ये बहुत कॉमन कंसर्न है। वैसे तो ये बिल्कुल देखो पेनलेस होता है, आपको बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता, बट फेस एक स्मूथ वाली फिनिश कभी नहीं आ पाती। तो हम मेक श्योर करेंगे ये वाली दिक्कत आपकी बिल्कुल दूर करें। आप इसको मीलिया से एड्रेस कर सकते हो। जब आप उसको नज़र मारते हो ऐसा लगता है जैसे वाइट हेड्स अंदर ट्रैप हो रखा है जो हट ही नहीं पाता। हम बहुत अच्छे से उसको स्क्रब से रगड़ लें, कुछ भी कर लें, वो क्लिंज हो ही नहीं पाता। उसका ये रीजन है कि एक लेयर बन चुकी है उसके ऊपर, एक स्किन सी बन चुकी है जो माइनर स्क्रबिंग से हट नहीं पाएगी। आपको प्रॉपर अपनी स्किन का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप इस दिक्कत को बिल्कुल दूर कर सकते हो। अगर आपको ऐसा महसूस होता है ये आपके सिर्फ फोरहेड पे है, तो उसका बहुत बड़ा रीजन हो सकता है डैंड्रफ। तो आपने मेक श्योर करना है आपने डैंड्रफ रिमूविंग शैम्पूज को रेगुलरली यूज करना है। बाकी अगर आपके फेस पे अदर पार्ट्स पे भी है तो ये वाला ट्रीटमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहने वाला है। सिर्फ फोरहेड पे है तो भी आप इस ट्रीटमेंट को फॉलो कर सकते हो। हम आपको चार स्टेप्स बताने वाले हैं आज की वीडियो में जो आपने रेगुलरली फॉलो करने हैं, और अगर आप रेगुलरली फॉलो करोगे मार्क माय वर्ड्स आपकी ये टाइनी बम्स की दिक्कत ना बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। बस वीडियो को देखना बिल्कुल एंड तक और जैसे बताया जाए वैसे स्टेप्स आप रेगुलरली फॉलो करना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और आपको बताते हैं हाउ टू रिमूव टाइनी बम्स व्हाइट बम्स विद द हेल्प ऑफ अ फोर स्टेप रूटीन। हम आपको इजी फोर स्टेप रूटीन बताने वाले, कैसे कैसे उसको यूज करना है, किस इंटेंसिटी में करना है वो भी बताने वाले। शुरुआत करते हैं स्टेप नंबर 1 के साथ, क्लिंजिंग योर फेस। बहुत बेसिक है ना, फिर भी नहीं करते। आपको मेक श्योर करना है रेगुलरली आपने अपने फेस को क्लिंज करना ही करना है, ट्वाइस इन अ डे। जब आप फेस को क्लीन नहीं करते हो आपके फेस पे ट्रैप हो जाता है डर्ट, ऑयल, पॉल्यूटेंट्स या जो जो आपकी कॉन्टैक्ट में आता है स्किन के, और वो स्किन पे ही बैठा रह जाता है जिससे हो जाते हैं क्लॉग पोर्स। और इसके अलावा आपकी स्किन रेगुलरली डेड स्किन सेल्स को शेड करते हैं जिसको क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेक श्योर करो अपने फेस को प्रॉपरली क्लींस करो। एक एक्टिव इंग्रेडिएंट वाला फेस वॉश आप ले सकते हो, जैसे सैलिसिलिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, ग्लाइकोलिक एसिड हो गया, ऐसे फेस वॉशेस में इन्वेस्ट करो, वो बहुत बढ़िया रहते हैं आपके फेस के लिए। अगर मार्केट वाले प्रोडक्ट्स पसंद नहीं करते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रॉ मिल्क उससे बढ़िया क्लींजर होता ही नहीं है। वो स्किन लाइटनिंग करता है, स्किन ब्राइटनिंग करता है। इसके अलावा उसके अंदर होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट लैक्टिक एसिड जो माइल्डली आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है। अगर एक फेस वॉश में इन्वेस्ट कर रहे हो बहुत बढ़िया बात है, अगर आप उसमें नहीं इन्वेस्ट करना चाहते तो रॉ मिल्क को कैसे यूज करना है पहले वो बताता हूं। एक बोल में आप लो रॉ मिल्क और पूरे फेस पे उसको लगा लो। रॉ मिल्क अगर ठंडा हो तो ज्यादा बढ़िया है। पूरे फेस पे आपने एक लेयर लगा ली कॉटन की हेल्प से, देन आपने उसको सूख जाने देना है। फिर आपने अगेन कॉटन को डिप करना और एक थिक सी लेयर अपने फेस पे दोबारा लगानी है और उससे अच्छे से मसाज करके फेस को वॉश ऑफ कर देना है पानी से, और इंस्टेंटली आपका फेस बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगा और जो भी ट्रैप डस्ट वगैरह है ना आपकी स्किन की टॉप लेयर पे वो प्रॉपरली रिमूव हो जाएगी। स्टेप नंबर 2, फेस स्टीमिंग। फेस स्टीमिंग ना बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है, चाहे आपकी स्किन कोई भी कैटेगरी की हो, आपकी स्किन हो नॉर्मल हो, ड्राई हो, ऑयली हो, आप फेस स्टीमिंग कर सकते हो, बट ओवर नहीं करना, वंस इन अ वीक ही करना है। वो करती क्या है, आपके पोर्स को ओपन अप कर देती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देती है स्किन में, जिससे होता क्या है जो डर्ट या ब्लैकहेड्स ट्रैप्ड होता है ना पोर्स के अंदर वो लूजन अप हो जाता है, फिर जो आगे के स्टेप्स होते हैं उसका इफेक्ट बढ़ जाता है और ब्लैकहेड्स, व्हाइटहेड्स और ट्रैप डस्ट प्रॉपर्ली हट जाता है। और जो टाइनी बम्प्स हैं इसका बहुत बड़ा रीजन है, वो जो डर्ट ट्रैप्ड है ना आपके पोर्स के अंदर उसको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फेस स्टीमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आप अगर चाहो फेस स्टीमिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हो टी ट्री ऑयल डालकर। टी ट्री ऑयल होता है एंटीसेप्टिक इन नेचर जो आपके ब्रेकआउट्स को कंट्रोल करता है और पोर्स को प्रॉपर्ली क्लेंस करता है। फेस स्टीमिंग अगेन करने के दो तरीके होते हैं, आप चाहो तो एक फेस स्टीमर लेकर आ सकते हो, उसमें पानी डाला, एसेंशियल ऑयल डाला। दूसरा तरीका होता है एक फेस टावल लिया आपने, एक छोटा सा टावल ले लो, उसको पानी में डिप करो, गर्म पानी में अच्छे से निचोड़ लो,
थोड़ा सा ठंडा हो जाने दो, देन आप अपने फेस पे रख सकते हो। जैसे वो ठंडा हो जाए उसको हटा दो, और ये स्टेप आप 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हो। जो पानी आपका है ना उसमें आप टी ट्री ऑयल मिक्स कर ये स्टेप फॉलो कर सकते हो। आप दोनों में से कोई भी तरीका फॉलो करो, दोनों बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, आपके पोर्स को प्रॉपरली क्लिंस तो करेगा और ये बेस रहने वाला है हमारे आज के टाइनी बम्स हटाने का। स्टेप नंबर 3, रेगुलर एक्सफोलिएशन। जब आप क्लेंजिंग करते हो ना फेस तो क्लीन हो जाता है, बट जो इन द पोर्स डस्ट होती है, पोर्स के अंदर जो छुपी होती है वो निकल नहीं पाती, और स्पेशली जब आप फेस स्टीमिंग कर रहे हो ना उसके बाद, तो एक एक्सफोलिएशन का रिजल्ट अलग ही लेवल का आता है। एक्सफोलिएशन करने के कई तरीके होते हैं, एक तो होता है फिजिकल स्क्रब, जो आराम से आप मार्केट में जाके एक बढ़िया वाला स्क्रब ले सकते हो और उसे प्रॉपरली मसाज कर सकते हो। अगर मार्केट वाला स्क्रब नहीं लेना चाहते तो राइस फ्लोर लो, थोड़ा सा दूध लो, थोड़ा सा हनी लो, उनको मिक्स कर लो और अपने फेस पे प्रॉपरली स्क्रबिंग करना शुरू कर दो। 15 से 20 मिनट अपने फेस को मसाज करो, 2 मिनट के लिए लीव ऑन करो, देन प्रॉपरली वॉश ऑफ कर दो। इसको आप हफ्ते में 2 बार आराम से फॉलो कर सकते हो फेस स्टीमिंग के बाद। इसके अलावा अगर आप ये वाले स्क्रब वाले नहीं पसंद करते एक्सफोलिएशन, तो आजकल केमिकल पील्स आ गए हैं मार्केट में, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत ही अमेजिंग रहते हैं, वही काम करते हैं, डेड स्किन को प्रॉपरली डिजॉल्व कर देते हैं, टाइनी बम्स को हटाते हैं, फाइन लाइंस को हटाते हैं, बट इसमें कोई मसाजिंग नहीं होती। मिनिमलिस्ट हो गया, ऑर्डिनरी हो गया, प्लम हो गया, इन सब में आपको केमिकल पील्स ईजिली मिल जाएगी, बट केमिकल पील को यूज करना बहुत जिम्मेदारी वाला काम होता है। मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाल दूंगा, वहां जाके देख सकते हो अगर केमिकल पील यूज करने का सोच रहे हो। बट एक तरीका और बताता हूं DIY से, अगर आपको रोज एक्सफोलिएट करना है बिना स्क्रब बीट्स के, ये वाला तरीका फॉलो करो, अमेजिंग रिजल्ट्स आने वाला है और ये बहुत इफेक्टिव रहने वाला है टाइनी बम्स हटाने के लिए। आपको मात्र 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। एक ग्लास बोल ले लो, उसमें डालो 1 चम्मच दही, 1 चम्मच हनी, और उसमें आपने डाला है 3 से 4 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस। इनको प्रॉपरली बढ़िया ढंग से मिक्स कर लो। जो दही होती है उसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड, जो माइल्डली एक्सफोलिएट करता है। हनी आपकी स्किन को इवन करने का काम करती है, ग्लो ऐड करती है और जो एक्ने के निशान है ना वो प्रॉपरली हटाती है। और लेमन जूस एक नेचुरल ब्लीच होता ही है, डार्क स्पॉट हो गया, डार्क स्कार हो गया, या आपके जिद्दी टाइनी बम्स हो गए उनको प्रॉपरली क्लियर अप करने का काम करेगा। तीनों इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपरली मिक्स किया, ब्रश की हेल्प से या फिंगर टिप्स की हेल्प से पूरे फेस पे लगा लिया, नेक पे लगा लिया या बॉडी पे जहां जहां टाइनी बम्स हो रहा है। 20 से 25 मिनट इसको रहने दो, देन अच्छे से इसे मसाज करना शुरू कर दो। 10 से 15 मिनट आपने मसाज किया, देन आप इसको वॉश ऑफ कर सकते हो। ये वाला ट्रीटमेंट आप रोजाना भी फॉलो कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं देने वाला, और गारंटी देता हूं आपके टाइनी बम्स को ना विजिबली हटाना कर देगा शुरू विद इन फर्स्ट यूज। स्टेप नंबर 4, इन्वेस्ट इन अ गुड नायासिनमाइड फेस सीरम। नायासिनमाइड एक एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B3 होता है, जो आपकी स्किन के लिए वंडर्स कर सकता है, आपको एक ग्लोइंग स्किन दे सकता है, क्लियर स्किन दे सकता है। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, जो आपकी स्किन में बहुत ज्यादा डीप जाता है और बहुत अमेजिंग बेनिफिट देता है। एक ऑलराउंड इंग्रेडिएंट है, आपकी स्किन की कोई भी समस्या है, डार्क स्पॉट है, पिगमेंटेशन है, एक्ने के निशान है, स्कार्स है, या कोई भी और समस्या है, टाइनी बम्स हो रहे हैं, हर चीज के लिए बहुत अमेजिंग ढंग से वर्क करता है। आप इसको वैसे भी यूज कर सकते हो, आपके फेस पे टाइनी बम्स हैं या नहीं है, अगर आप क्लियर स्किन अचीव करना चाहते हो, अपनी स्किन को हेल्दी रखना चाहते हो, तो नायासिनमाइड इज द सॉल्यूशन। अब सवाल आता है कौन से ब्रांड में इन्वेस्ट किया जाए। बहुत ऑप्शंस आते हैं मार्केट में, मिनिमलिस्ट का ले सकते हो, बहुत बढ़िया रहता है, प्लम का ले सकते हो, बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। इसके अलावा मार्केट में आप जब भी कोई नायासिनमाइड फेस सीरम लेने जाओ उसके रिव्यूज जरूर देखा करो, ऐसे नहीं कि सिर्फ नायासिनमाइड दिया और उस पर पैसे लगा दिए, हमेशा उसके रिव्यूज चेक करो ऑनलाइन जाकर, फिर ही वो प्रोडक्ट खरीदो। अगर एक पॉजिटिव रिव्यूज आपको मिले तो आप उसमें बिना सोचे इन्वेस्ट कर सकते हो। यूज करने का सही वक्त क्या होता है, आप उसको डे में भी लगा सकते हो, रात में भी लगा सकते हो, बट अगर आप उसको दिन में लगा रहे हो तो उसके ऊपर सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है। बिना सनस्क्रीन के वो आपके ऑक्सीडाइज हो जाएगा और बेस्ट रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। बाकी रात का वक्त बिल्कुल ही परफेक्ट होता है अच्छे नायासिनमाइड में इन्वेस्ट करने के लिए। एक और स्टेप मैं आपको बोनस में बताना चाहूंगा, जो कि हमारा स्टेप नंबर 5, मॉइस्चराइजिंग योर फेस। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक फेस सीरम के ऊपर, उसको हमेशा आपने कवर अप करना चाहिए, उसका इफेक्ट जो होता है ना वो बहुत बढ़ जाता है। अब जब आप मॉइस्चराइजर में इन्वेस्ट करोगे, मेक श्योर करो उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट हो, जैसे सैलिसिलिक एसिड हो सकता है, लैक्टिक एसिड हो सकता है। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स आपको डर्माको ब्रांड में आराम से मिल जाएंगे, द डर्माको करके ब्रांड आता है, उसमें आराम से आप सर्च करो, दोनों इंग्रेडिएंट्स इजीली अवेलेबल है। इससे आप जब आप कवर करोगे ना तो वो बम्पी स्किन आपका हटाने का काम करेगा, आपको स्मूथ टेक्सचर्ड स्किन देगा और साथ साथ जो नायासिनमाइड सीरम का इफेक्ट है उसको प्रॉपरली लॉक करके रखेगा। तो ये था एक मैजिकल स्किन केयर रूटीन जो आप रेगुलरली फॉलो कर सकते हो, एंड गारंटी देता हूं ये 5 स्टेप्स आप फॉलो कर तो देखो, आपको 2 हफ्ते के अंदर डिफरेंस दिख जाएगा।
क्या क्या इंटेंसिटी है हर स्टेप की मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, फिर रिपीट कर देता हूँ। फेस वॉश करना है दिन में 2 बार, स्टीम आपने लेनी है हफ्ते में 1 बार, स्क्रबिंग आपने करनी है हफ्ते में 2 बार, और रही बात आपकी मॉइस्चराइजिंग की, वो आपने डेली करनी है। इसके अलावा जो नायासिनामाइड सीरम है वो भी आपने दिन में 2 बार लगाना है। इसी इंटेंसिटी में इन 5 स्टेप्स को आप रेगुलरली फॉलो करो और मैजिकल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। इसी ऑर्डर में फॉलो करना जैसे आपको बताया गया, और ये टाइनी बम्प्स होते क्या है बिल्कुल भूल जाओगे। एक चीज़ एडवांस में बता देता हूँ, ये कोई मंजिल नहीं है जहाँ आप पहुँच गए और टाइनी बम्स हट गए, वो वापस नहीं आएंगे, वो बिल्कुल वापस आएंगे। रेगुलरली स्किन केयर को फॉलो करते रहो और टाइनी बम्स बिल्कुल वापस आने का नाम ही नहीं लेंगे। एक क्लीन स्किन चाहिए, एक हाइजीनिक स्किन चाहिए, तभी आपके फेस पे ज़बरदस्त ग्लो नजर आ पाएगा। बाकी कोई भी प्रोडक्ट खरीदना, हम ऑल इंडिया फ्री डिलीवरी करते हैं, डिलीवरी की डिटेल्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर होस्ट सचदेवा, गुड।